इस पहाड़ नदी नाले को, इस जल जंगल जमीन को जो सुरक्षित रखता है उसका नाम है आदिवासी। जहां भी पर्यावरण कोई बचाया है और बाकी इंसानों के रहने लायक बनाया है वो है आदिवासी। इस दुनिया के बाकी लोगों ने इस दुनिया को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बाकी हम जैसे लोगों को आपको समझाने की जरूरत है कि आदिवासियों को बचाओ अगर इस दुनिया में इंसान को बचाना है। डिजिटल इंडिया किसके लिए हुआ है पता है? अंबानी और अडानी के लिए। अंबानी अडानी कौन है पता है? अंबानी और अडानी इस समय भारत के नए नए देवी देवता हैं। उनकी पूजा होती है और ये जो बड़े बड़े पद पर बैठे लोग हैं ना, थोड़ा छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ भी बोल दूं क्या? अरे पूजना हो तो उसको पूजेंगे जो आपको हक दिलाता है, कि जो हक छीनता है वो आपको पूजने का जरूरत है। लड़ाई लड़ी थी जयपाल सिंह मुंडा ने, इसलिए अगर आपको किसी को अपना नायक मानना है तो तिलका मांझी सिद्धू कानू बिरसा मुंडा के बाद जयपाल सिंह मुंडा को अपना नायक मानिए और घर घर बताइए कि जयपाल सिंह मुंडा ना होते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। आपका रिश्ता राजस्थान वाले आदिवासी से है कि नहीं है? है कि नहीं? आंध्र के आदिवासी से है कि नहीं? तमिलनाडु के आदिवासी से है कि नहीं? एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद। और आप सभी छत्तीसगढ़ के इस इलाके में इतनी बारिश के बीच भी आप सब लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार है, इंकलाब जिंदाबाद। और इस आयोजन को करने के लिए यहां पर मुझे आमंत्रित किया आयोजन समिति ने, और मैं पहली बार आपका इतना सम्मान पाकर के बहुत भावुक हूं कि आपने मुझे सम्मानित किया है, आमंत्रित किया है। हम लोग दिल्ली में बैठ करके पढ़ते पढ़ाते हुए ये कहते हैं, समझते हैं कि भारत के नक्शे में तीन चीजों को अगर आप बनाएंगे तो वो एक ही जगह मिलेगी। खनिज संसाधन, यानी खनिज संसाधन, जितना संसाधन मनुष्यता को चलाने के लिए चाहिए। दूसरा जंगल और तीसरा आदिवासी। ये तीनों भारत के नक्शे पर एक मिलेंगे और तीनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तो ये प्रकृति में पल करके इस पहाड़ नदी नाले को, इस जल जंगल जमीन को जो सुरक्षित रखता है उसका नाम है आदिवासी। और भारत ही नहीं, दुनिया भर में जहां भी पर्यावरण कोई बचाया है और बाकी इंसानों के रहने लायक बनाया है वो है आदिवासी।
वरना इस दुनिया के बाकी लोगों ने इस दुनिया को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आदिवासियों ने उसे बचाने की कोशिश की। इसलिए मैं आपके बीच में आकर बहुत गौरवान्वित हूं। तो जिस प्रकृति, जिस जल जंगल जमीन को आप बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, आज देखिए वही प्रकृति आपका इम्तिहान ले रही है, आपकी परीक्षा ले रही है। मैं फिर से सलाम करता हूं आपको कि आप वो परीक्षा पास हैं और यहां खड़े होकर के जीतते हुए कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो साथियों, मैं आदिवासियों के बारे में अगर कुछ पढ़कर बोलूंगा, जो बोलूंगा वो पढ़कर बोलूंगा, सीख कर बोलूंगा, और आप तो उसे जीते हैं, तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि आदिवासी कौन है और उसकी लड़ाई कौन है। हो सकता है आपसे ज्यादा किताब हमने पढ़ी हो सकता है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, प्रोफेसर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आदिवासियों पर आपसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि आप जो हैं वो आप हैं और आप रोज लड़ करके जो है उसे बचा रहे हैं, इसलिए हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि आदिवासी। लेकिन मैंने जो नारा लगाया था, मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आपके यहां हमने पढ़ा अपने इतिहास में, एक तीर एक कमान, जोर से नारा लगा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। ये नारा नहीं, आपकी ताकत है, ये ताकत है आपकी। अच्छा, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए साथियों, आपको एक समान बनाने का नारा क्यों लगाना पड़ रहा है? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बीच में तोड़ना चाह रहा है, कोई बीच में तोड़ना चाह रहा है, कोई अलग करना चाह रहा है, कोई अलग बता रहा है कि एक आदिवासी दूसरे से अलग है? क्या आप अलग हैं क्या? नहीं। कोई दूसरे से अलग है क्या? नहीं। आदिवासी आदिवासी अलग अलग है क्या? नहीं। सब एक समान है। क्यों? क्योंकि सबका त्योहार, सबकी परंपरा, सबकी रवायत एक जैसी है ना। आप मेरी एक बात सुनिए, आपकी लड़ाई किस बात की लड़ाई? हम लोग जब कहते हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये तीनों एक लोग, बहुजन लोग हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप आदिवासी नहीं रहेंगे तो हम किसको एक करेंगे भाई? अगर आपको आदिवासी नहीं माना जाए तो हम किसको एक करेंगे? यानी आदिवासी, दलित और मैं पिछड़े समाज से आता हूं, ओबीसी जिसको कहते हैं, तीनों की लड़ाई एक जैसी है, लेकिन हो सकता है लड़ाई दिखने में अलग अलग हो। जैसे हम लोग जल जंगल जमीन नहीं जानते, और हम घूमने के लिए जब पहाड़ और जंगलों में जाते हैं, आप उसे बचाने के लिए वहां लड़ते हुए जी रहे होते हैं, ये हमारा और आपका अंतर है। लेकिन फिर भी साथियों, एक बात आप मेरी बताइए, मैं दिल्ली से चल के आया हूं तो मैं भाषण देने नहीं आया हूं, नंबर एक बात, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूं। आपकी आबादी इस देश में कितनी है? आदिवासियों की आबादी इस देश में कितनी है बताएं, बताइए। संविधान जब भारत आजाद हुआ तब आदिवासी की आबादी कितनी थी? 7.5%, 7.5%। तो आदिवासी जितनी आबादी है उतना उनको क्या मिला? आरक्षण मिला कि भाई देश को चलाने में हमने विदेशी ताकत को तो भगा दिया, अब यहां के लोगों का शासन होगा, आम जनता का शासन, जनता के लिए, जनता पर। तो ये पता चला कि 7.5% भारतीय जो है वो तो कहीं है ही नहीं, तो 7.5% शिक्षा रोजगार में उनको आरक्षण मिला। उसके बाद क्या हुआ? आज जब 2011 की जनगणना हो रही है तो पता है आदिवासियों की जनसंख्या घटी है कि बढ़ी है? जोर से बोलिए, बढ़ी है ना ये जनसंख्या। आपका हक बढ़ा क्या? आपका अधिकार बढ़ा क्या? नहीं। आपको नौकरी मिली क्या? नहीं, नहीं, नहीं। आपको शिक्षा मिली क्या? नहीं, नहीं। आपको जल जंगल जमीन पर पूरा हक मिला क्या? नहीं, नहीं मिला। आपको लड़ना पड़ रहा है। इतनी ही बात है। देखिए, इस देश में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं साथियों, मैं एक सवाल पूछता हूं, ओबीसी समाज के प्रोफेसर 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में
एक भी ओबीसी समाज का प्रोफेसर नहीं था। आदिवासी कितने थे? सवाल है मेरा, अगर आदिवासियों की आबादी 7.5% है तो कम से कम 100 में 8 प्रोफेसर आदिवासी होने चाहिए थे कि नहीं? आपके प्रोफेसर होने चाहिए थे कि नहीं? आपके आईएएस होने चाहिए थे कि नहीं? आपके डीएम और एसपी होने चाहिए थे कि नहीं? आपकी नौकरी 8% होनी चाहिए थी कि नहीं? सारी लड़ाई इस बात की है कि नहीं? तो फिर देश किसका है भाई? ये हम पूछते हैं ना कि अगर हमारा ये देश है। मैं दो लोगों को याद कर रहा हूं साथियों अपनी बात शुरुआत में ही। सबसे पहले जिन्होंने आदिवासियों की तीर कमान को दिकुओं के खिलाफ लगा करके जल जंगल जमीन के लिए उलगुलाम किया, उस नायक का नाम है बिरसा मुंडा और मैं उन्हें याद करते हुए अपनी बात कर रहा हूं। इसी संथाल परगना के एक ऐसे नायक बिरसा मुंडा जिन्होंने मात्र बहुत कम उम्र में तीर और तलवार लेकर के अपना हथियार लेकर के किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने कहा कि जो दिकू हैं, दिकू कौन थे? बाहरी। दिकू का मतलब बाहरी। आप लोग भोजपुरी समझते हैं इन्हें? पहले बार थोड़ी बहुत समझते हैं भोजपुरी। मैं यूपी आजमगढ़ से आया हूं तो मैं भोजपुरी मेरी भाषा है, तो भोजपुरी थोड़ा बहुत समझिएगा, नहीं समझेंगे तो मैं बताऊंगा। अब एक बात समझिए, दिकू मतलब बाहरी। हमारे यहाँ यूपी से कोई कमाने अगर दिल्ली बंबई चला जाता था तो उससे कहते थे कि कहां गए हैं, तो कहे परदेश गए हुए। परदेश गए हुए, परदेश का मतलब समझ रहे हैं, दूसरा देश। तो भारत देश में ही परदेश बंबई कलकत्ता कैसे हो गया भाई? इसका मतलब जो हमारी जमीन थी वही हमारा देश था, बाकी सब बाहरी थे। बिरसा मुंडा ने, धरती आबा ने क्या नारा दिया? उन्होंने कहा जो हमारी जल जंगल जमीन छीनने के लिए आएगा वो सब दिक्कू हैं और हमें उनके खिलाफ उलगुलान करना पड़ेगा। और आज विश्व आदिवासी दिवस पर आपको उलगुलान करने की जरूरत है, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। उलगुलान का मतलब जानते होंगे आप लोग, उलगुलान क्या है? नहीं जानते? मैं बता रहा हूं, उलगुलान का अर्थ है क्रांति। क्रांति का मतलब क्या? जो हमारी अधिकार है, हमारा हक है, उसको कोई अगर छीने तो उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती है उसका नाम है उलगुलान, उसका नाम है क्रांति। और उसको करने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा को मैं यहां से याद कर रहा हूं। अब एक बात मेरी जवाब दीजिए, बिरसा मुंडा ने कहा ये जल जंगल जमीन तो हमारा है भाई, हम यहां पैदा हुए, हम प्रकृति में पले बढ़े। बाहर से कोई आके कहता है कि ये जल जंगल जमीन हम आपसे छीनेंगे और आपका विकास करेंगे। क्या करेंगे? विकास करेंगे। आपका विकास हुआ? नहीं। आपका कोई विकास हुआ? नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पता है अमृत महोत्सव का मतलब क्या होता है? पता है अमृत महोत्सव का मतलब? आजाद हुए इस भारत को 75 साल पूरा हो गए, 75 साल पूरा हो गया। 75 साल बाद जो देश आजाद हो गया, क्या उसके अधिकार जो जल जंगल जमीन का था वो उसके आदिवासी का होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन जो लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी, जो लड़ाई सिद्धू कानू ने लड़ी, जो लड़ाई तिलका मांझी ने लड़ी, उस लड़ाई को लड़ने वाले जो लोग थे वो आपके पुरखे थे, वो आपके पुरखे थे ना। अब मेरे बात का और जवाब दीजिए, एक दूसरा नाम मैं आपसे ले रहा हूं कि आप जानते हैं उनको, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा को नहीं जानते बाकी लोग? मैं आपको बताता हूं, बाकी हमारे बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए ये सारे लोग जयपाल सिंह मुंडा को जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अरे पूजना हो तो उसको पूजेंगे जो आपको हक दिलाता है, कि जो हक छीनता है वो आपको पूजने का जरूरत है, हक दिलाने वाले को पूजना होगा ना। तो बिरसा मुंडा आपके हक के लिए लड़े थे ना, तिलका मांझी कौन थे जो आपके हक के लिए लड़े थे, इस देश में सिद्धू कानू थे
जिन्होंने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी और जब इस देश का इतिहास लिखा गया तो आप बताइए बाहर के लोगों को न तो बिरसा मुंडा को पढ़ाया जाता है सिलेबस में, न तिलका मांझी को पढ़ाया जाता है, न सिद्धू कानू को पढ़ाया जाता है और न जयपाल सिंह मुंडा को पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता पता है? क्योंकि अचानक कोई आए और आपसे कहे कि तुम आदिवासी नहीं हो, तुम क्या हो? बात समझ रहे हैं सब लोग? अब मैं आपको बता रहा हूं जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। जयपाल सिंह मुंडा जो आईएएस की परीक्षा पास कर दिए थे, जिससे डीएम बनते थे और हॉकी खेलते थे, भारत की जो राष्ट्र टीम थी उसके सदस्य थे, जो ओलंपिक खेलने गई और जब जयपाल सिंह मुंडा का रिजल्ट आया तो उनसे कहा गया कि तुम हॉकी में जाओ या नौकरी लो, और वो हॉकी में गए और भारत को गोल्ड मेडल जिताया, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया। और जब जयपाल सिंह मुंडा लौट कर आए तो पूरे झारखंड छत्तीसगढ़ का जो जंगल का इलाका है उसमें उन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी। और फिर पता है जब संविधान भारत का बन रहा था, संविधान जानते हैं ना, नया भारत कैसा बनेगा इसका किताब का नाम है संविधान, और उस संविधान से आपको हक मिला। क्या हक मिला? कि आपके ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना कोई आपसे आपकी जमीन नहीं ले सकता। अभी हमारे साथी कह रहे थे जमीन छोड़िए एक लोटा पानी भी नहीं ले सकता बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के। ये आपका अधिकार उस संविधान ने दिया ना, ये अधिकार आपको भारत के संविधान ने दिया ना, पैसा एक्ट आपको भारत के संविधान से मिला ना, वो अधिकार अधिनियम आपको भारत के संविधान से मिला ना, इसलिए वो आपको अधिकार देता है। जो आपको अधिकार देता है उस किताब का क्या नाम है? भारत का संविधान। और जो आपसे आपका अधिकार छीनता है उनको क्या कह रहे हैं? दिकू, बाहरी लोग हैं, ये सब बाहरी हैं जो आपके अधिकार छीन रहे हैं। भारत के संविधान बनाने की संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा शामिल थे। जयपाल सिंह मुंडा आपके नायक हैं, मेरे भी नायक हैं, लेकिन मुझसे पहले आपके नायक हैं, क्योंकि आपको आदिवासी होने का हक दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी थी जयपाल सिंह मुंडा ने। इसलिए अगर आपको किसी को अपना नायक मानना है तो तिलका मांझी सिद्धू कानू बिरसा मुंडा के बाद जयपाल सिंह मुंडा को अपना नायक मानिए और घर घर बताइए कि जयपाल सिंह मुंडा न होते तो हमें बड़ा अच्छा लगे। इसलिए भारत ही भारत नहीं बनता अगर जयपाल सिंह मुंडा भारत के संविधान सभा में नहीं खड़े होते। अब मेरी बात सुनिए, भारत की संविधान सभा में जो दिल्ली जहां से मैं चल के आया हूं, आपके यहां तो साहब इतनी दूर आए रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो जो पुल बना है उस पर इतना पानी क्या बहने लगा, वहां पुलिस वाले खड़ा होकर के कह रहे हैं आगे जाने मत रहो रास्ता बंद है, सब डूब गए सब बह गए, और बाद में चल के आए तो कहीं इतना पानी है उसी पर लोग चल करके आ रहे हैं। अरे भाई पुलिस वाले लोगों, अरे आपके अपने लोग हैं, इनको भ्रमित करने की क्या जरूरत है? अगली बार यहाँ कार्यक्रम हो तो यहाँ पक्की सड़क भी होनी चाहिए और तब जाकर ये कार्यक्रम होना चाहिए। भाई आपका जगह जल जंगल जमीन है, यहाँ आपका कार्यक्रम नहीं होगा किसका कार्यक्रम होगा? और यहाँ पर कार्यक्रम होने के लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए। तब जयपाल सिंह मुंडा ने दिल्ली से, जहां से मैं चलकर आया हूं, बहुत खराब जगह है दिल्ली, मैं उसका बुराई कर रहा हूं, बहुत खराब जगह दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारत में बैठकर, बड़े बड़े एसी में बैठकर, बड़े बड़े लोग हमारे और आपके हक का सौदा करते हैं, और अगर हम जमीन की लड़ाई छोड़ देंगे तो दिल्ली वाले आपके हक को बेच देंगे। याद रखिएगा मेरे आदिवासी भाई, बहुत खराब जगह है दिल्ली। और उसी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब यानी संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर बोले, हम आदिवासी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम सैंधव घाटी सभ्यता के वारिस हैं, आप हमें लोकतंत्र मत सिखाइए, हमसे आपको लोकतंत्र सीखने की जरूरत। वो जयपाल सिंह मुंडा को पढ़िएगा, उस जयपाल सिंह मुंडा की कहानियां अपने वरिष्ठ लोगों से सुनिएगा। तब जयपाल सिंह मुंडा ने लड़ाई लड़ी थी कि आदिवासी को उसके जल जंगल जमीन पर पहला हक आदिवासी का है। किसका हक है? आदिवासी। ये जल जंगल जमीन किसकी है? आदिवासी। ये जल जंगल जमीन पर पहला हक किसका है? आदिवासी। ये जल जंगल जमीन को आज तक बचाया किसने है? आदिवासी। जब तक बचाया आपने है, हक आपका है, तो कोई बाहर से क्यों आके कहेगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि आदिवासी नहीं तुम हिंदू हो?
ये गलत है कि नहीं? ये गलत है तो इसको होने देंगे क्या? नहीं। अगर आप आदिवासी ही नहीं बचे तो आप आपकी जल जंगल जमीन बचेगी क्या? नहीं। अगर आप आदिवासी नहीं बचे, आपकी परंपरा नहीं बची, तो आप आदिवासी बचेंगे क्या? नहीं। अब एक बात बताइए, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा की बहस में एक बात कही। उन्होंने कहा तुम्हारे देवी देवता अलग होंगे, तुम्हारी पूजा करने का तरीका अलग होगा, हमारा तो संथाली भाषा में हम अपने देवी देवता किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। ये पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत पहाड़, ये जंगल, ये हमारे हैं, क्योंकि हमने इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बचाया है। अब सुना तो हमने भी है आपके यहाँ का किस्सा, आपके यहाँ भी कुछ दिक्कू लोग आ गए हैं, पहचान रहे हैं? लेकिन मैं भाई खैरा प्रोफेसर आदमी बाहर से आपने बुलाया है, मैं कोई ऐसी बात करके नहीं जाऊंगा कि जिससे कल यहाँ पर झगड़ा हो, ये मेरा काम नहीं है ना। अरे हम तो आदिवासी समाज को पढ़ लिख करके जीने वाले लोग हैं, जिनके यहाँ झगड़ा ही नहीं मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है, उनके बीच में झगड़ा किस बात? तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इशारे में एक बात जरूर पूछूंगा। ये जब पूरा जल जंगल जमीन आपका है तो यहाँ आप अपना रीति रिवाज कैसे मनाएंगे, ये कौन तय करेगा? दिक्कू तय करेगा कि आप तय करेंगे? आपकी पूजा कैसे होगी, कोई और कैसे तय करेगा, कौन तय करेगा? आपका अधिकार क्या है, आपकी लड़ाई क्या है, ये कौन बताएगा? अपना नेता किसी और को मत होने दीजिएगा। अब लड़ाई किस बात की है? पहली लड़ाई साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि भीगते हुए आप लोग सुन रहे हैं, ये आपका जज्बा बताता है कि इस देश से आदिवासियों को न तो कभी पहले कोई हरा पाया, न आज हरा पाया है, न आने वाले कल में कोई हरा पाया। लेकिन खतरा पड़ गया है, मैं आपको चेताने आया हूं मेरे साथियों, भाइयों, माताओं, बहनों, बहुत खतरा बढ़ गया है। खतरा क्या बढ़ाया है पता है? जंगल में लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है ना, कुल्हाड़ी के हत्थी किसकी लगी होती है? लकड़ी की। आप तो जानते हैं, आप तो कुल्हाड़ी आपका पूजा करने वाला अस्त्र है ना। एक बार क्या हुआ साहब, जब संविधान सभा में कहा गया कि जो तीर तलवार है ये सब पाबंदी लगा दी जाए, इसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर के कहे कि ये तीर और कमान हम आदिवासियों की पहचान है, तुम्हारे लिए ये हथियार होगा, हमारे लिए पूजा करने की चीज है, पाबंदी नहीं लगी। और आज भी आदिवासियों की तीर कमान से छेड़खानी नहीं होगी। तो उसी संविधान में जब ये अधिकार आपको दे दिया कि आपकी जल जंगल जमीन बिना आपसे पूछे कोई बेच और खरीद नहीं सकता, ये पता है कि नहीं आपको? आपकी जल जंगल जमीन आपकी है ना। कुछ लोग हैं जो आज ये बात कह रहे हैं कि हम आपका विकास करेंगे, आपकी जल जंगल जमीन हमको दे दो। असली खतरा यही है ना। मैं अभी जिस फ्लाइट से आया हूं और जिस दिल्ली से आया हूं, मैं एक कहानी सुना रहा हूं, मेरी कहानी सुनिए छत्तीसगढ़ के लोगों। आपके ही इलाके में थोड़ी दूर पर बस्तर है ना, गोमपाड़, वहां एक जगह है, 17 आदिवासियों को आज से 13 साल पहले इस राष्ट्र और राज्य की पुलिस और सेना ने मिलकर मार दिया, पता है कि नहीं आपको? बस्तर के गोमपाड़ में उनको मार दिया। और जब उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए आदिवासी गए, तो अभी इसी महीने क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से पता है? उसमें यह फैसला आया है कि आदिवासियों को किसी ने नहीं मारा, अपने आप मर गए, और दोषी कौन है जो उनके न्याय का हक मांगने के लिए मुकदमा किया, उन्हीं के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। ये पता है कि नहीं? ये मैं बता रहा हूं, फिर से जानिए, अगर ये देश भी आदिवासी का है तो वो 17 लोगों को मारने वाले कौन लोग थे भाई? एक लड़का है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं और परसों एक कार्यक्रम वहां हुआ था, केवल जश्न मनाना आदिवासी दिवस मनाना नहीं है साथियों, आप और हम तो जश्न मना ले रहे हैं। कल को ये जल जंगल जमीन नहीं बची तो 50 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि मेरे पिता और माता या बड़े भाइयों, तुम्हारे सामने मेरी जल जंगल जमीन छीनी जा रही थी, तुम क्या कर रहे थे? तो आप कहेंगे कि हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे थे।
ये सवाल का जवाब दे पाएंगे उनको? आप उनसे आंख मिला पाएंगे? वो बच्चे आपको माफ करेंगे? अरे हमारे पहले तिलका माझी सिद्धू कानू बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा की इतिहास था तो ये जल जंगल जमीन आपका था। 50 साल बाद अगर यही रहा, ये जल जंगल जमीन बेच दिया तो आप अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? आप उनको देने के लिए कुछ बचेगा कि किस बात के आदिवासी वो होंगे? नंबर एक बात यही आपसे गुजारिश करने आया, आपसे कहा जा रहा है कि हम आपका विकास करने आए हैं, लेकिन आपसे आपकी जल जंगल जमीन छीनी जा रही कि नहीं, सही से बताइए। सिलगेर का एक जंगल है ना, हसदेव का एक जंगल है, उधर आंध्रा से लेकर के महाराष्ट्र तक चले जाइए वहां भी जंगल है, राजस्थान में भी आदिवासी है। आपका रिश्ता राजस्थान वाले आदिवासी से है कि नहीं है? है कि नहीं? जोर से बोलिए। आंध्रा के आदिवासी से है कि नहीं? तमिलनाडु के आदिवासी से है कि नहीं? मध्य प्रदेश के आदिवासी से है कि नहीं? झारखंड के आदिवासी से है कि नहीं? एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। इसलिए पहला खतरा मैं आपको बताने आया हूँ, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जाए। सच है कि नहीं? जंगल काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है। मेरा किस्सा सुनिए। उस कुल्हाड़ी से जब जंगल को काटा जा रहा था तो लकड़ियों ने विद्रोह कर दिया। किसने? जंगल की लकड़ियों ने। तो जो कुल्हाड़ी चला रहा था उसने उस लकड़ियों से क्या जाकर कहा पता है? तुम इस कुल्हाड़ी का विरोध क्यों कर रहे हो? इस कुल्हाड़ी में जो हत्था लगा है वो लकड़ी तो तुम्हारी है। समझ गए कि नहीं? और जंगल की लकड़ियों ने विद्रोह नहीं किया और एक दिन सारा जंगल काट दिया गया, क्योंकि जंगल की लकड़ियां कुल्हाड़ी के साथ खड़ी हो गई थी, क्योंकि कुल्हाड़ी में लकड़ी उन्हीं की थी। आपके लोगों को ही आपके खिलाफ भड़काया जाएगा। भड़काया जा रहा है कि नहीं? मुझे पता नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके लोगों को आपके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है कि नहीं? क्या आप अपने लोगों से लड़ेंगे? आप अपने लोगों से लड़ेंगे? हाथ उठा के वादा करिए, कभी अपने लोगों से लड़िएगा मत। अगर कोई भटक गया तो उसको बैठा के समझाइए, उससे सवाल पूछिए, उससे यह पूछिए कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारी है कि नहीं, ये आदिवासी परंपरा क्या होती है। तब जयपाल सिंह मुंडा ने संसद में खड़ा होकर कहा था, ये वर्ण व्यवस्था में हम आदिवासी तो आते ही नहीं भाई, हमारे यहाँ तो जात व्यवस्था है ही नहीं, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र कौन, ये हम तो आदिवासी लोग हैं, हम जल जंगल जमीन को मानने वाले लोग हैं, हमारे खुदा हमारे भगवान हमारे लोग हैं जिनको प्रकृति की पूजा करते थे। अब दूसरा खतरा आपको बता रहा हूं, सड़क बनाने के नाम पर बस्तर में पुलिस की कैंप बनाया जा रहा है, पता है कि नहीं? आप बताइए आदिवासी को किस चीज की जरूरत है? आपकी मांग क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, आदिवासी किस चीज की जरूरत है? स्कूल की जरूरत है कि नहीं? स्कूल की जरूरत है कि नहीं? आदिवासी को शिक्षा चाहिए कि नहीं? आपको जल जंगल जमीन चाहिए कि नहीं? अगर आपको भूख लगी है, आप मुझे कहानी बताइए, अगर आपको भूख लगी है, आप एक बच्चा अपने माँ बाप से कहता है कि हमको भूख लगी है खाना दो, और उसके माँ बाप उससे कहें कि चलो तुमको फुटबॉल खिला के ले आते हैं, तो बच्चा जाएगा? बच्चा जाएगा? नहीं। बच्चा रोएगा कि नहीं? लगी है भूख खाने की और तुम फुटबॉल खिलाने ले जा रहे हो, हमको चाहिए जल जंगल जमीन और तुम सड़क बना रहे हो, समझ गए कि नहीं? हमको चाहिए हमारी संपत्ति और हमको चाहिए स्कूल और तुम वहाँ पुलिस कैंप बना रहे हो। पुलिस कैंप चाहिए कि स्कूल चाहिए? स्कूल चाहिए कि नहीं? शिक्षा चाहिए कि नहीं? आदिवासी की लड़ाई शिक्षा की है ना। जो धर्म और के नाम पर लड़ाने आए उससे पूछिएगा कि मेरे बच्चों की शिक्षा कहाँ है? यही लड़ाई है ना मेरे हिसाब से। मैं भाई प्रोफेसर आदमी हूँ, बाहर से आया हूँ, मैं जानता हूँ कि शिक्षा की अहमियत क्या होती है। और तब जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, अब तीर और कमान को कलम और किताब से तकदीर बदल देना है, तब आदिवासियों का कल्याण होगा। आज आपके हाथ से कलम किताब तीर तलवार सब छीना जा रहा है, ये सबसे बड़ा संकट है। दूसरी बात बताइए, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, हमारे यहाँ एक कहावत है भोजपुरी में। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो मांग रहा था कि हमको लड्डू दे दो, और माँ उसका चप्पल जो पैंट का नाला होता है उसको ढीला कर दिया। अब वो किस बारे में परेशान है पूरे दिन कि हमारा पैंट सरक न जाए।
आदिवासी मांग रहे हैं कुछ और उनको दिया जा रहा है कुछ और, ये सवाल है कि नहीं। अब दूसरी बात, सरकार किसी की भी हो नेतागिरी पर हमें कोई बात नहीं करनी। अगर इस जंगल को खोल दिया जाएगा, पेड़ काट दिया जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? जंगल बचेगा? ये पहाड़ बचेंगे? जब पहाड़ और जंगल नहीं बचेंगे तो ये आदिवासी बचेंगे? जब आदिवासी नहीं बचे, पृथ्वी नहीं बची, तो इंसान बचेंगे क्या? ये बाकी हम जैसे लोगों को आपको समझाने की जरूरत है कि आदिवासियों को बचाओ अगर इस दुनिया में इंसान को बचाना है। बात समझिए इसको, इंसान को अगर बचाना है तो आदिवासी को बचाना है, और आदिवासी को बचाना है तो आदिवासियत की बचाओ। मैं ओबीसी समाज से आता हूं, हमारे यहां भी खेती किसानी की परंपरा चलती है। गेहूं बोया जाता है तो गीत गाते हैं, धान रोपा जाता है तो गीत गाते हैं, फसल की कटाई होती है तो गीत गाते हैं, फसल की पूजा होती है। आपके यहाँ भी यही सब होता है ना? आपके यहाँ भी गीत गाते हैं ना? आपके यहाँ भी अनाज की पूजा करते हैं ना? आपके यहाँ भी पेड़ पत्तों की पूजा करते हैं ना? तो हम और आप एक हुए कि नहीं हुए? ये ओबीसी और आदिवासी एक हुए कि नहीं हुए? ये दलित समाज के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, दलित समाज को अछूत समझा रहा, दलित समाज को मंदिर में नहीं जाने दिया, दलित समाज को छू दिया तो अपवित्र हो गए। तो दलित समाज भी कहा कि हमारा भी परंपरा वो नहीं है, और हम भी प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। तो दलित पिछड़ा आदिवासी तीनों एक हो गए कि नहीं? आपको लड़ाने वाले लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि तुम आदिवासी नहीं हो, हिंदू हो। तो आपसे पूछिएगा उनसे, अगर आदिवासी भी हिंदू था तो हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारे प्रोफेसर कहाँ है, हमारी जल जंगल जमीन पर हिस्सेदारी कहाँ है? अब एक तीसरी घटना सुना रहा हूं, 2019 की बात है, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से फरमान आया था, पता है, कि आपको कागज दिखाना होगा कि ये जल जंगल जमीन आपकी है। याद है, आपसे कागज मांगा गया था, और उसमें 10 करोड़ आदिवासी लोग अपने जल जंगल जमीन से विस्थापित हो रहे थे, है ना? आपसे कागज मांगा था ना? विश्व आदिवासी दिवस के दिन मुझसे हाथ उठा करके एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, अगर आपसे 100 साल 50 साल पुराना कागज मांगा जाएगा तो आपके पास होगा क्या? नहीं। जोर से बोलिए, आपके पास कागज है? नहीं। आपके 100 साल पुराने कोई डॉक्यूमेंट है? नहीं। कुछ भी नहीं है? तो क्या जमीन आपकी नहीं है? नहीं। जमीन तो है ना, 1000 साल पुरानी जमीन आपकी है, 2000 साल पुरानी जमीन है, और कोई आपसे आके कहता है कागज दिखाओ, आप कागज दिखाएंगे क्या? और अगर कागज नहीं होगा तो जमीन छोड़ देंगे? जमीन छोड़ देंगे? जोर से बोलिए, आपसे अगर आपका आदिवासियत को कहा जाएगा आप आदिवासी नहीं हो, ये पूजा ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो, तो छोड़ देंगे पूजा करना? लड़िएगा मत, युद्ध करने के लिए लोग हमला करने के लिए आएंगे। सुना है कुछ दिन पहले यहाँ झगड़ा किया था, मैं कह रहा हूँ अगर आप एकजुट रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाए। एकजुट रहना होगा, और लड़ाई किस बात पे करनी है? मुझे लगता है कि आदिवासियों की लड़ाई 2-3 चीज की है। पहली लड़ाई कि आदिवासी कौन है, क्या है, ये आदिवासी तय करेगा। क्लियर? आदिवासी कौन है, क्या चाहता है, ये आदिवासी तय करेगा, कोई दूसरा नहीं। दूसरी लड़ाई, आदिवासी को क्या चाहिए, ये कौन तय करेगा? जोर से बोलिए, आदिवासी क्या चाहते हैं ये कौन बताएगा? आदिवासी कौन है ये कौन बताएगा? तीसरी लड़ाई, आदिवासी जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई, यही ना है भाई? हम तो इतना ही समझते हैं, हम बहुत नादान हैं, हम बहुत कम जानते हैं आदिवासियों के बारे में। आपके सामने आए हैं तो हिम्मत लेकर जा रहे हैं, हिम्मत लेकर जा रहे हैं कि हमारे जंगलों में ऐसे आदिवासी खड़े। और मैं अभी रायपुर आ रहा था तो एक महिला के साथ आया हूँ, उसका नाम कितने लोग जानते बताइएगा, उसकी बस्तर में लड़ने वाली एक आदिवासी महिला सोनी सूरी, जानते हैं? सोनी सूरी को जानते हैं? सोनी सूरी के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? सोनी सूरी के साथ जेल में बलात्कार हुआ कि नहीं? सोनी सूरी पर झूठा मुकदमा लगाया कि नहीं? सोनी सूरी के ऊपर हमला किया कि नहीं? सोनी सूरी को जेल में बंद किया कि नहीं? और आज कहते हैं सोनी सूरी पर कुछ नहीं हुआ था। और आज अब इशारा समझिए, इस देश में एक प्रधानमंत्री बना है, वो कह रहा है
75 साल बाद हमने पहली बार एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी, हाँ एक आदिवासी महिला को पहली बार राष्ट्रपति बनाया, पता चला आप लोगों को? ये तो एक तरह से कहें तो ये अच्छी बात है, इसका विरोध तो हम नहीं कर सकते साहब, क्योंकि पहले भी बहुत लोगों की सरकार थी आप वही आदिवासी को बनाने थे, लेकिन आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना तो अच्छी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नियत में कुछ खोट है? नियत में कुछ खोट है कैसे? आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, नौजवानों बताओ, इस इनके द्रौपदी मुर्मू जी के पहले कौन राष्ट्रपति था? जोर से बोलिए, किस जाति से आते थे? अच्छा एक बात पता है, इस देश में भाजपा एक पार्टी ऐसी है जो कहती है कि जाति जाति करने वाले लोग दलित पिछड़े आदिवासी जो जातिवाद को बढ़ाते हैं। तो एक बात बताओ, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था तो उनकी जाति कौन बताया? कौन बताया? भाजपा वाले बताए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए ना, किसने पूछा था किस जाति के हैं? राष्ट्रपति की कोई जाति होती है? राष्ट्रपति किसी जाति का होता है? द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है, ये कौन पूछा था तुमसे? नहीं पूछा कोई, और बताया कौन? इसका मतलब कि वो सब बहुत शातिर लोग हैं, धोखा देते हैं। अब उदाहरण दे रहा हूं, सुनो आदिवासी समाज के लोगों, मैंने पहले भी कहा था, इस देश की बड़ी बड़ी राजधानियों में आपके पुरखों के हाथ से बनाए हुए ईंट बालू सीमेंट से बड़ी बड़ी जो इमारत खड़ी हुई है ना, वहां आपके बच्चों के भविष्य को बेचा जाता है, इसलिए उस दिल्ली के खिलाफ सजग रहना, आपके बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है वहां पर। कैसे? रामनाथ कोविंद दलित थे, रामनाथ कोविंद दलित थे, और दलितों जैसे आपके यहाँ एक पेशा एक्ट है ना सर, आपके यहाँ वन अधिकार अधिनियम है ना, बिना आदिवासियों की ग्राम पंचायत में कोई जमीन नहीं छीन सकता, आपके यहाँ कोई पेड़ नहीं काट सकता, ये आपको हक मिला है ना, अनुसूची 5 में शामिल है ना, उसमें संशोधन भी कोई नहीं कर सकता ना, ये सब कौन बना के गया? भारत का संविधान। ऐसे ही दलितों के लिए एक कानून बना था, SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, हिंदी में बता रहा हूं, पहले अभी सोनी सूरी का बात कर रहा था ना मैं, सोनी सूरी का मैंने अपने चैनल पर इंटरव्यू लिया है, कभी मौका मिले, मुझे पता नहीं ये बात यहाँ कहनी चाहिए कि नहीं, मंच पे बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कि मेरा YouTube चैनल देखिए, अरे जिनके यहाँ आने के लिए सड़क तक 75 साल में नहीं बनी वो YouTube चैनल कैसे देखेंगे, मैं तो शर्म कर रहा हूँ, कैसे YouTube चैनल पे देखिए? इस देश में वहां एक प्रधानमंत्री बैठ के कहता है डिजिटल इंडिया हो गया, आपके यहाँ कोई स्कूल है ढंग का क्या? नहीं। कोई ATM है क्या? नहीं। कोई बैंक है क्या? नहीं। इस बात का डिजिटल इंडिया हो गया भाई? डिजिटल इंडिया किसके लिए हुआ है पता है? अंबानी और अडानी के लिए। अंबानी अडानी कौन है पता है? अंबानी और अडानी इस समय भारत के नए नए देवी देवता हैं, उनकी पूजा होती है, और ये जो बड़े बड़े पद पर बैठे लोग हैं ना, थोड़ा छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ भी बोल दो क्या? बोलना जरूरी है भाई। अब ये छत्तीसगढ़ सरकार वाले भी बताएं कि जो जो कानून आदिवासियों के खिलाफ भाजपा सरकार बनाई थी, क्या कांग्रेस वाले उनको विरोध में बदल दिए क्या? क्या कांग्रेस के काम से संतुष्ट है क्या? अब इसमें यही है, कोई बड़ा दुश्मन है, कोई बड़ा कटार चलाता है, और कोई मीठा मीठा बोलकर आपका हाथ मांगता है। अब मेरा सवाल का जवाब दीजिए, जैसे दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार होता था, दलित का मतलब समझते हैं ना, दलित जो अछूत था भाई, जो आज हिंदू बनाने आए उससे पूछना कि दुनिया के किसी देश में इंसान इंसान को छू ले तो अपवित्र नहीं होता, और तुम जम्बू द्वीप आर्यावर्त के भारत, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहने के बाद जिस जिस मंदिर में गए पुजारी ने उनको घुसने नहीं दिया, बताओ जाति बड़ी चीज है कि नहीं? है कि नहीं? राष्ट्रपति अगर मंदिर में नहीं घुस पा रहा है तो गरीब जनता जा पाएगी क्या? राष्ट्रपति मंदिर से गया तो पूरे मंदिर को गंगा जल से धुलवाया कि नहीं? जब तुम मनुष्य मनुष्य में भेद करते हो तो कल को आदिवासी को कह दोगे कि आदिवासी भी हिंदू नहीं, और हिंदू है तो बताओ इनके आदिवासियों के अपने रीति रिवाज से क्यों छेड़खानी कर रहे हो, इनके जनजाति में क्यों छेड़ रहे हो? यही सवाल है ना। तो जैसे राष्ट्रपति रहते हुए
रामनाथ कोविंद के समय एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट ने छेड़खानी कर दी थी, पता ही नहीं। 2 अप्रैल का भारत बंद करना पड़ा था ना, उस 2 अप्रैल का भारत बंद किसके समय हुआ, जब दलित राष्ट्रपति, तो दलित राष्ट्रपति है तो एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी हो रही है। एक रोस्टर आया था, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, 13 पॉइंट रोस्टर, 13 पॉइंट रोस्टर, जानते हैं नहीं जानते होंगे। अरे सुनिए, मैं जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना हूं ना, मैं आज भी खोजता हूं कि मेरे बस्तर के, मेरे झारखंड के, मेरे राजनांदगांव के किसी आदिवासी को खोजता हूं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर बन के मेरे साथ खड़ा हो, मुझे नहीं मिलता है। बताओ 75 साल का डिस्ट्रिक्ट कौन है, कौन वाइस चांसलर है जो आदिवासी है, क्यों नहीं बने भाई आपके लोग प्रोफेसर, ये मेरा सवाल है। 13 पॉइंट रोस्टर आया था पता है, उसमें 13 पॉइंट पर रोस्टर को रोक दिया और 14वां पद जो बनता तो वो आदिवासी को बनता। यानी अगर किसी यूनिवर्सिटी में 14 पोस्ट आती तो 14वीं किसको मिलती, आदिवासी को। जोर से बोलिए, और रोस्टर कितने पर रोक दिया, 13 पे। आदिवासी का नंबर ही बताओ किसके कार्यकाल में हुआ था, 5 मार्च का भारत बंद करना पड़ा ताकि इस देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आदिवासी भी प्रोफेसर बने, आदिवासी भी वाइस चांसलर बने, आदिवासी भी पढ़ लिख करके देश चढ़ाएं, वो काम नहीं हुआ। तो जैसे रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति रहते दलितों के खिलाफ सारा काम हुआ, मुझे डर है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के कहीं इस जल जंगल जमीन को अंबानी और अडानी के हाथों बेचा तो नहीं जाएगा। जोर से बोलिए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है बेचा जाएगा, आपको क्या लगता है खतरा है, जोर से बोलिए खतरा है कि नहीं। राष्ट्रपति बनने से आपका लाभ नहीं होगा ना, आपका लाभ किसमें है, जल जंगल जमीन का हक पाने। इतना ही मेरी बात है साथियों, मैं केवल आपसे गुजारिश करने आया हूँ, लड़वाने वाले आजकल बहुरूपीय आ गए, बहुरूपीय आ गए हैं। आपके यहाँ भी कोई आया है, मैं उसका नाम और नहीं लूंगा, जानता सब हूँ, सब जानता हूँ कौन कहाँ से आया है और क्या कर रहा है। मैं एक चुटकुला सुना रहा हूँ, सुनिए, 2-3 चुटकुला है, बारिश भी तेज हो रही है, बस बात खत्म करूंगा। हमारे यहाँ धर्म की बात थी, अच्छा और बोले ये बात होनी चाहिए, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। अब चुटकुला सुनिए, धर्म के नाम पर जो भटकाएगा उसको मेरा चुटकुला सुनाइएगा, और मेरा मेरे ऊपर कोई अगर कुछ कहे तो कहिएगा कि वो आया था तो बिरसा मुंडा की बात कर रहा था, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा था, पेरियार की बात कर रहा था। तुमको अगर विरोध करना है तो जाओ उन लोगों का विरोध करो। हमारे यहाँ तो चुटकुला चलता है, क्या चुटकुला चलता है सुनिए, भोजपुरी समझ जाए तो बताइएगा। आखिरी में एक गांव में कुछ बच्चों ने गधा मार दिया, गधा समझते हैं, गधा की हत्या कर दी। अब गांव के लोग परेशान हो गए, गांव के पंडित के पास गए कि हुजूर इस गांव के लड़कों ने गधा मार दिया है। पंडित नाराज होकर खड़ा हुआ, अरे गधा मारना तो बहुत बड़ा पाप है, इसका तो वेदों में लिखा है कि 22 प्रकार के नरक होते हैं, किसी में तुमको तला जाएगा, किसी में तुमको भुना जाएगा, किसी में तुमको काटा जाएगा, किसी में तुमको सड़ाया जाएगा, बड़ा पाप लग गया। तो वो गांव वाले बोले कि मुक्ति कैसे मिलेगी, तो कहा हवन कराना होगा, कितना खर्चा आएगा, कहे लाखों रुपया खर्चा आएगा। फिर धीरे से गांव वाला एक जाकर कहा, पंडित जी जो 4 लड़कों ने गधा मारा है उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। अब आप सोचिए क्या होगा, जैसे ही उसने कहा कि उसमें आपका बेटा संतोष भी था, तो पंडित जी आराम से बैठे और बोले, 2-4 लइकन में एक संतोष, और गधा के मरले में कौनों ना दोष। यानी अभी थोड़ी देर पहले जो पंडित जी बता रहे थे कि अरे बहुत बड़ा पाप है, जब उनका अपना बेटा आया तो पता चला कोई दोष नहीं है, माफ है। धोखा है कि नहीं, धोखा है कि नहीं, हमारे लोग धोखा खाए थे क्या, बिरसा मुंडा धोखा खाए, जोर से बोलिए धोखा खाए, नहीं खाए ना, जयपाल सिंह मुंडा धोखा खाए, आप क्यों खाएंगे धोखा, मेरा सवाल है आप धोखा खा जाएंगे। एक और चुटकुला सुनिए, एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया खजूर के, ऊपर से नीचे देखा
तो डर लगने लगा तो हनुमान की पूजा करता था। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो चुटकुला सुना रहा हूँ, मैं किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए, मेरा दोस्त था वो, ऊपर से देखा कहा हनुमान जी अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो इस मंगलवार 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ा ताकत मिला, आधा दूर उतरा तो कहा हनुमान जी आजकल बड़ी गरीबी है, नौकरी कोरोना में चली गई है, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, उतर में खुश हो जाना। थोड़ा और नीचे उतरा तो कहा कि हनुमान जी हर मंगलवार आपके यहाँ बड़ा लड्डू चढ़ता होगा, मैं पाव भर चलाऊंगा 250, उतने में खुश हो जाना। उसके बाद ऐसा करते करते जमीन पर उतरा, कान पकड़कर उठक बैठक किया कि हनुमान जी ना आज के बाद जीवन में कभी पेड़ पर चढ़ूंगा और न लड्डू चढ़ाऊंगा। ये दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हमें किसी के धर्म से लड़ना है क्या? नहीं। जाओ तुम मंदिर लेके अपना रखो, मंदिर से आपकी लड़ाई है क्या? नहीं। किसी धर्म से आपकी लड़ाई है क्या? नहीं। आपकी लड़ाई तो आपकी अपनी है ना, आपकी लड़ाई जल जंगल जमीन की है ना। भटकिएगा मत, कोई आपको भटकाएगा लड़ाएगा, हाथ जोड़कर आदिवासी लोगों अगर हम आपस में लड़ गए ना, क्योंकि वो बहुत चालाक धूर्त लोग हैं, हमारे खिलाफ हमारे लोगों को आगे जानते हैं ना, हमारे खिलाफ हमारे आदिवासी को। अरे कहेंगे कि ये गोंड आदिवासी है, ये दूसरा आदिवासी है, ये अलग है, वो अलग है। आप दोनों ऐसे हाथ पकड़ के कहना कि एक तीर एक कमान, यही मेरा वादा है आपसे कि लड़िएगा मत, सारे आदिवासी एक जैसे। और मंदिर मंदिर के नाम पर नहीं लड़ना। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुई थी पता है, 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे थे पता है ना। तो उस इस समय क्या हुआ कि एक आदमी बड़ा चालाक था, थोड़ा काला धन रखा था, वही काला धन जिसको बाबा रामदेव भोले थे ले आएंगे और आप लोगों को दे देंगे, 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। 15 रुपया भी मिला क्या? 15 रुपया भी नहीं दिया ना। ये सब दिल्ली में बैठ के झूठ बोलता है कि नहीं, और आपका वोट ले लेता है, अगली बार आदिवासी को आदिवासी लड़ा देगा। नोटबंदी हुई, एक आदमी मंदिर चला गया और कहा कि 500 और 1000 की जो नोट बंद हो गई थी वो धड़ाधड़ मंदिर पे चढ़ाने लगा कि भगवान को ही खुश कर लेता हूँ, नोट तो बंद हो गई है, बैंक जा नहीं सकता। अचानक एक व्यक्ति बीच में आया और कहा अरे ये नोट बंद हो गई है, भगवान को क्यों चढ़ा रहे? आदमी बोला अरे भगवान को थोड़े पता है कि ये नोट बंद हो गई है। तो वो आदमी जोर से बोला भगवान थोड़े ही नोट लेता है, जो नोट लेता है उसको पता ही कि ये नोट बंद हो गई है। आप चढ़ाते थे भगवान के नाम पर और बीच में कौन? विवेकानंद का नाम सुना है आपने? हाँ। ये हिंदू धर्म वाले उनका बड़ा नाम लेते हैं विवेकानंद का। आपका रायपुर एयरपोर्ट विवेकानंद के नाम पर है। विवेकानंद बहुत बड़े हिंदू थे, गणेश की पूजा कर रहे थे, मंदिर के सामने बैठे थे और देखे कि उनके सामने जो चढ़ावा चढ़ाया गया लड्डू, वो एक चूहा लेके भाग रहा है। और विवेकानंद बोले कि ये कैसा भगवान है, अपना लड्डू नहीं बचा सकता तो हमको क्या बचाएगा। ये विवेकानंद की कहानी है। वो धर्म वाले आपको एक दिन आते हैं और कहते हैं कि चलो तुम सब हिंदू हो, चलो मंदिर में पूजा करने जाओगे क्या? वो धर्म आपका धर्म है क्या? मैं केवल ये गुजारिश करने वाला हूँ, आदिवासियत आपका धर्म, जल जंगल जमीन आपका। इतना ही मेरा आग्रह है। धर्म के नाम पर केवल इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि आपकी जल जंगल जमीन नए वाले देवी देवता के हाथों बेच दिया जाए। अंबानी और अडानी के बच्चों को कभी कांवड़ लौटे देखे हैं? कभी कांवड़ ढोना समझते हैं? कांवड़ जल चढ़ाना, जल चढ़ाने जाते हैं। हिंदू धर्म खतरे में है, ये किसके बेटा बेटी को बचाने के लिए बोलते हैं? सब दलित पिछड़ा आदिवासी को समझाएंगे कि हिंदू धर्म खतरे में है। और मलाई कौन खाता है हिंदू धर्म की? अच्छा अगर सबका धर्म था तो मंदिर में पुजारी सब क्यों नहीं हुए? सारे लोग पुजारी होने चाहिए कि नहीं? कोई ऐसा मंदिर है जिसका पुजारी आदिवासी है? बताइए भाई, कोई आदिवासी पुजारी है? कोई पिछड़ा पुजारी है? कोई दलित तो मंदिर में नहीं जा सकता था। अब एक काम करिए, मंदिर वालों से कहिए जितना चंदा जाता है वो सब सरकारी होगा और सारे मंदिरों को सरकारी कर दो और सरकार सबका पैसा लेगी, अपने आप आधा झगड़ा खत्म ना हो जाए। तो कहिए गलत कह रहा हूं क्या? अगर भगवान मेरा है तो मुझे उसको खुश करने के लिए पैसा देने की जरूरत है भाई? पैसा देने की जरूरत है? मेरा भगवान तो मेरे पहाड़ पर बसता है। मैं यहां से जब फसल काटकर आदिवासी गीत गाऊं तो उसमें गीत में क्या था
गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। वो लड़ाई आपकी। और ये आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे आदिवासी भाइयों, खतरा बहुत बड़ा है, और खतरे में क्या है पता है? कोई धर्म खतरे में नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में, आपके बच्चों की शिक्षा खतरे में है। ये स्कूल अगर सबको मिल जाए तो धर्म के नाम पे झगड़ा खत्म हो जाएगा कि नहीं? अगर सबको रोटी मिल जाए तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा कि नहीं? आदिवासियों को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, स्वास्थ्य। आपके यहाँ हॉस्पिटल है क्या? अगर मुझे सर दर्द करने लगे तो मैं क्या करूंगा बताइए? कोई मंत्र पढ़ूंगा कि दवा खाऊंगा? अगर मुझे इलाज कराना है तो मंदिर जाऊंगा कि हॉस्पिटल जाऊंगा? जोर से बोले, कहाँ जाऊंगा? बीमारी में कहाँ जाएंगे? पढ़ाई करने कहाँ जाएंगे? पढ़ाई करने कहाँ जाएंगे? तो स्कूल और हॉस्पिटल हमारे लिए मंदिर मस्जिद हुआ कि नहीं? हमें लड़ाई किस चीज करनी चाहिए? स्कूल और हॉस्पिटल की। बाकी कोई भी लड़ाई करवाए, हाथ जोड़ के कहना हमें नहीं लड़ना, हमें जल, जंगल, जमीन का अधिकार। और उस सरकार से सजग रहिएगा। अभी छत्तीसगढ़ सरकार वाले कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार वाले कह रहे हैं कि राम का बनाया है कि नहीं? राम का भवन बना रहे, राम के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कर लो, लेकिन आदिवासियों का भी एक पथ गमन रास्ता बनवा दो जिसमें सारे आदिवासी एक दूसरे से जुड़े। ये अपील होगी ना? और आखिरी बात, राष्ट्रपति आदिवासी बन जाए उससे आपका भला नहीं होने वाला। वो अच्छी बात है कि राष्ट्रपति बन गए, कल को प्रधानमंत्री भी तो राष्ट्रपति की बजाय बनना चाहिए आदिवासी। इस देश का प्रधानमंत्री एक आदिवासी होना चाहिए कि नहीं? अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के कि प्रधानमंत्री के? सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? नए वाले देवी देवता अंबानी अडानी पैसा किसको देते हैं? ताकत से नियम कानून कौन बनाता है? आपकी जल जंगल जमीन बेचने के लिए कौन नियम बना रहा है? अभी आप लोगों को किसान आंदोलन हुआ तो पता है कि नहीं? किसानों की जल जंगल जमीन बेचते थे ना? किसान एक साल लड़े, 700 किसान शहीद हुए, अपनी जमीन बचा लिए ना? मेरे आदिवासी भाइयों, आपकी जल जंगल जमीन को अंबानी अडानी के हाथों बेचा जा रहा है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो ये अंबानी और अडानी है जो आपकी जल जंगल जमीन आपसे छीन लेंगे। ना आपकी आदिवासियत बचेगी, ना आपका जल जंगल जमीन बचेगा, और मैं तो कह रहा हूं उसके बाद भारत बचेगा। इसलिए इस आदिवासी समाज की लड़ाई मैं एक उसी कविता से खत्म कर रहा हूं। यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, यहाँ जिस इलाके में नेटवर्क ही नहीं है वहां कुछ लोग आके कहते हैं कि धर्म बचाएंगे। यहाँ तो पहले जरूरत इस बात की है कि बुनियादी सुधा दीजिए। आजादी का 75 साल मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा फहराएंगे। अरे आदिवासियों को अगर तुम उनका हक दे दो, हर पेड़ पर तिरंगा फहराएगा आदिवासी, लेकिन उनका पेड़ काटा नहीं। मैं आरासे भरा रहा था, लोग अपनी पगड़ी में ये देखिए, ये पशु और पक्षियों से जो प्रेम करते हैं उनकी पगड़ी लगाए, हिंदी चिट्ठी बोलते, पत्ते लगाया है लोगों ने सर पे ना। हम लोग जिसका सम्मान करते हैं उसको कहाँ बिठाते हैं? ये आदिवासी प्रकृति को कहाँ बिठाते हैं? ये आदिवासी पेड़ पौधों को कहाँ बिठाते हैं? ये आदिवासी अपने संस्कृति को कहाँ रखते हैं? और आज कोई आके कह रहा है कि आदिवासियों तुम आदिवासी नहीं हो, क्या माफ कर दोगे उसको? नहीं। क्या पहचानोगे नहीं उन्हें? लड़िएगा मत मेरे आदिवासी भाइयों, आपको लोग लड़ाने आएंगे, आपको लोग तोड़ने आएंगे, आपको लोग बांटने आएंगे, क्योंकि उनका काम यही है नफरत का। वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। और हमारे यहाँ हम लोग एक नारा लगाते थे, उस नारे में क्या है पता है? उन नान से जो शुरू किया था ना, एक तीर एक कमान के साथ आदिवासी एक समान। और दूसरा नारा था जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, आदिवासी एक समान। दोनों नारा एक जुट
लकड़ियों को अलग अलग रखो तो तोड़ो तो टूट जाती है ना, लकड़ी का गंठर बना दो तो नहीं टूटती है ना। आदिवासी आदिवासी अलग अलग रहा तो टूट जाएगा कि नहीं, आदिवासी आदिवासी मिलके गठर बन जाएगा तो कितनी हिम्मत तोड़ पाएगा। ये भारत देश किसका है? भारत देश किसका है? जब आपका है तो इस देश की संपत्ति किसकी होगी? इस देश की जल जंगल जमीन किसकी है? जोर से बोलिए किसकी है? जंगल किसका है? पेड़ किसका है? ये संपत्ति किसकी है? ये पशु किसके हैं? ये संपत्ति हमारी है तो कोई और छीनेगा तो छीनने देंगे? केवल यही लड़ाई है। आपने मुझे दिल्ली से बुलाया विश्व आदिवासी दिवस पर, आप सभी ने खड़े होकर बारिश में इतना सुना है मुझे, मुझे नहीं पता कि मेरी बातों में कोई अच्छी बात थी कि नहीं, मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, मैंने कोई नई बात कही कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आज जब आपसे हिम्मत लेकर दिल्ली लौटूंगा तो मैं दिल्ली के गलियारों में खड़े होकर आदिवासियों की लड़ाई लड़ूंगा और सोनी सोनी से लेकर जंगलों में झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों के आदिवासियों की आवाज दिल्ली में भी गुलजार करके मैं वह अपनी लड़ाई लड़ूंगा जो भारत की लड़ाई है, क्योंकि ये राष्ट्र हमारे आपके पुरखों ने बनाया है भाई, हमारे आपके पुरखों ने ये राष्ट्र बनाया है। और कुछ बाहर से लोग आपके धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, कुछ बाहर के लोग आकर के मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं, हम कह रहे हैं दलित पिछड़ा एक समान ये सारे लोग हैं, और 90% इस देश के कमेरा लोग, आदिवासी लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, किसान मजदूर लोग, हम सब मिलके हमारे पुरखों के बनाए भारत को बचाएंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।